यस बैंक टारगेट 10 रुपये भाई, एक ब्रोकरेज फॉर्म ने टारगेट दिया 10 रुपये का, तो पूरा बताऊं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं ऐसी शानदार वीडियो लेके आता रहता हूं। और ब्रोकरेज फॉर्म ने दिया टारगेट, तो भाई ये है एमके ग्लोबल और इन्होंने टारगेट दिया है यस बैंक का 10 रुपये के लिए, आप देख सकते हैं। और अभी 13 रुपये कुछ के समथिंग चल रहा है यस बैंक, आज भी 2% के समथिंग गिरावट थी और रिजल्ट भी कोई काफ़ी खास थे नहीं यस बैंक के। बात करेंगे पूरी चार्ट पर भी कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और पर्सनली मेरा व्यू क्या है मैं वो भी बताऊंगा। और ये तो आप देख ही सकते हैं, इन्होंने 10 रुपये का टारगेट दिया है एमके ग्लोबल वालों ने, और ये भी रिसेंटली की है, आधे घंटे पहले की न्यूज है इकोनॉमिक टाइम्स की। तो अब चार्ट पर ले चलता हूँ और बताऊँगा पर्सनली मेरा व्यू क्या है और आपको क्या करना है। तो ये चार्ट पर ले आया हूँ, चार्ट को जूम कर लेता हूँ। और अगर आप भाई प्ले करना चाहती हैं यस बैंक को, क्योंकि डाउन साइड इसमें बहुत ज़्यादा लिमिटेड दिखती है और मुझे नहीं लगता है कि 10 रुपये जाएगा, मुझे इसकी जो मिनिमम डाउन साइड दिखती है जो बर्स सिनेरियो वो है भाई 12 रुपये के आसपास, 11 रुपये 90 पैसे, 12 रुपये के आसपास, इससे नीचे जाता मुझे नहीं दिखता। बेशक एमके ग्लोबल वालों ने बताया हो, ब्रोकर ने बताया हो, लेकिन मुझे भाई पर्सनली नहीं लगता कि 12 रुपये से नीचे जाएगा। और अपसाइड भाई इसकी खुली हुई है, अगर भाई इसके जो इसकी परफॉर्मेंस है, इसके रिजल्ट हैं, ये इम्प्रूवमेंट इनमें आती रही साल दर साल, तो हो सकता है आने वाले दिनों में भाई अच्छा करे ये, और अच्छा करेगा तो वैसा इफेक्ट इसके प्राइस पर भी पड़ेगा। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए भाई आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और आप ये सोचें कि भाई अभी 1-2 महीने में ये रॉकेट हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। तो आप अगर रिस्क ले सकते हैं और पेशेंस हैं आपके पास में, तो भाई यहाँ आसपास खरीदा जा सकता है 12-13 रुपए के आसपास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नीचे जाता मुझे नहीं दिखता है। तो आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है आप कर सकते हैं। और RSI 34 की है, तो भाई काफ़ी काफ़ी भाई वीक है RSI, देख सकते हैं। और बाकी ज़्यादा कुछ इसमें एनालिसिस करने को है नहीं यस बैंक में, आपको बस विश्वास है अगर स्टॉक में कि आने वाले दिनों में ये अपना पिछली परफॉर्मेंस जो भाई ये 300 रुपये के आसपास चलता था, 250-300, तो उस तरीके की अगर परफॉर्मेंस दे पाएगा तो स्टॉक का प्राइस भी ज़रूर उसके आसपास पहुँच पाएगा। अब वो कब होगा, कितने टाइम बाद होगा, ये तो भाई वक्त बताएगा। अगर यस बैंक अच्छी परफॉर्मेंस देता है तो हो सकता है कि आने वाले 4-5 सालों में भाई वहाँ तक पहुँच जाए। और अगर भाई इसके जो 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 भी भाई परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं हुई, तो हो सकता है इधर ही 50-100 रुपये के आसपास लटका घूमता रहे। तो ये तो परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, और आप रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या तो हीरो या तो जीरो, दो ही चीज़ें हो सकती हैं सिनेरियो में जो कंडीशन है उसमें। और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।